व्हाट्सअप गाइज, तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो थंबनेल देखने के बाद तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज कैसी फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूँ। तो सिंपली ये फ़ोटो अभी तक किसी ने भी एडिट नहीं करी है, मैंने न्यू कॉन्सेप्ट निकाला है अपना, तो इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा है। तो सिंपली आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपनी पीएटस एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेनी है, उसके बाद एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना, जो मैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली अपना बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं पीएटस में। तो पीएटस एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड ऐड करने के बाद अपनी फ़ोटो ऐड करते हैं। तो जो मैंने कुछ इस तरह क्लिक करवा रखी है, तो आप भी वैसे ही क्लिक करवा लेना बैकग्राउंड, मतलब जो फ़ोटो आपकी वो। तो सिंपली मैं अपनी फ़ोटो ऐड कर ली है। तो अब जो इसका बैकग्राउंड है वो हमें इरेज करना है। तो सिंपली आपको ये वाला टूल सेलेक्ट करना है और बैकग्राउंड को इरेज करना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो एरिया इरेज करना है हमें। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो सिंपली आप वीडियो को देखते रहें। तो सिंपली हमारा बैकग्राउंड पूरा इरेज हो चुका है। तो अब सिंपली क्या करना है, अपने फ़ोटो को एडजस्ट करके लगाना है बैकग्राउंड के अंदर, जो अभी हम कर लेते हैं। तो हमारा जो सिंपली हम कर लेते हैं, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया पूरा एडजस्ट हो चुका है। तो सिंपली आप क्या करना है, इसके अंदर शैडोज बनानी है, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो एक लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेना है, और इसका जो कलर है ब्लैक करने के बाद जहाँ जहाँ शैडो बनानी है आपको वहाँ वहाँ बस इसको ड्रॉ कर लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ब्रश से ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो पहले तो इसका ब्रश का साइज छोटा कर लेता हूँ। तो सिंपली छोटा करने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपको शेडोज बनानी है वहाँ वहाँ आप इसको कर लें ब्रश से, जैसे कि जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सिंपली आप भी कर लें, उसके बाद इस यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो ये सिंपली आपका जो हो गया पूरा हो चुका है। तो आप सिंपली ब्लर में, मतलब ग्लोसियर ब्लर इसका, तो वो कर लेंगे। ग्लोसियर ब्लर को थोड़ा सा कम करके बस सिंपली इतना कर लेंगे। तो ये हमारी जो शेडोज है वो हमारी पूरी क्रिएट हो चुकी है। तो अब क्या करना है, सिंपली हमको क्या करना है, इसके बाद हमको सिंपली इसका जो ग्रेडियन है वो बनाना है एक नीचे से ब्लैक कलर का। तो सिंपली हम ग्रेडियन भी बना लेते हैं। तो ग्रेडियन हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो ग्रेडियन भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है। ये सिंपली थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमारा ग्रेडियन कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अब जो एक नीचे लेयर है, तो आपको जो फोटो हमारी फ़ोटो लेयर है उसके ऊपर जो हमारा डोजन वन इफेक्ट, तो पहले तो सिंपली इसका जो हम फेस की ब्राइटनेस है वो बढ़ा लेते हैं। फेस की ब्राइटनेस और हाथ पैरों की जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, वो बढ़ा लेते हैं सिंपली। तो सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको लेयर पे जानी है, फोटो लेयर पे, और जो ये टूल है इसे सेलेक्ट कर लेना है अपना एरिया, जो आपको सेलेक्ट करना है, तो जिसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है वो एरिया सेलेक्ट कर लेना। तो ज़्यादातर तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। तो सिंपली देख ही सकते हो कितने अच्छे से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया इसने। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने जो इसका जो एरिया है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो लेयर है, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, वो कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर जो इफेक्ट दिख रहा है उसको सिंपली जाना है और एडजस्ट पे जाना है। तो यहाँ से आप एडजस्ट इसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो भी है वो हर कलर बढ़ा सकते हैं, वाइट बैलेंस, मतलब हर चीज़ से आप सेट कर सकते हो इससे। तो इस टूल, ये टूल बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। तो सिंपली अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए इस टूल के ऊपर, तो वो ही बता देना, कमेंट कर देना, तो सिंपली मैं बना दूँगा उसके ऊपर भी पूरी वीडियो।
तो सिंपली आपको क्या करना है, अलग अब सिंपली हमारा पूरा काम हो चुका है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बैकग्राउंड में हम जो डार्कनेस लाएंगे वो हम कर लेते हैं। तो अगर आपको डार्कनेस करनी नहीं आती तो वही मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपली लाइटिंग में जाना है आपको, और जो आपको डार्कन करना है, बैकग्राउंड करना है, या अपनी जो फ़ोटो वो करनी है सब्जेक्ट, तो ऐसा आप कर लेना। तो सिंपली मैं तो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों में डार्क पन रखूँगा, थोड़ा डार्कन। तो सिंपली हमारा हो चुका है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है डोजन बन इफेक्ट, तो वो हम कर लेंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, तो डोजन बन पहले, डोजन बन से पहले हम एक PNG ऐड कर लेते हैं, लाइट PNG जो है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सिंपली। तो पहले हम इस लाइट इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड के, मतलब अपने सब्जेक्ट के पीछे। तो सिंपली ये हमारा ऐड हो चुका है, तो इसका हम जो है ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे कलर, और सिंपली इसको भी हम अपने बैकग्राउंड के पीछे लगा लेंगे, और इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे जिससे ये थोड़ा और मतलब ब्राइट हो जाए। तो डुप्लीकेट लेयर करने के बाद, तो ये देखो आप कितना हो गया, तो इसको ब्लर कर लेंगे सिंपली, दोनों लेयर को ब्लर कर लेंगे अपनी जो PNG लेयर है। तो दोनों को ब्लर करने के बाद सिंपली आप देख ही सकते हो कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है पीछे। तो अब एक टेक्स्ट डालते हैं अपना, जो टेक्स्ट हमारा होगा वो हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो सिंपली आपको लिखना है। तो मैं इसको कुछ बोलूँगा नहीं, तो सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं अलोन लिखूँगा, अलोन को अब ट्रांसफ़र करके हम ऊपर रख लेंगे, जो ये गुड़िया इसके ऊपर सर के, तो सिंपली ये हम ऊपर सर के रख लिया। तो अब इसके अंदर लाइट में जाके, तो इसको हम लाइट देंगे, कोई सी भी कलर की दे सकते हो। तो मैं सिंपली अब ये एडजस्ट कर लेता हूँ, कोई सी भी कलर अच्छा लगे, तो ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइट ब्लू स्काई कलर। तो सिंपली ये स्काई कलर हमने दे दिया है। तो अब क्या करना है आपको, इसका जो ब्लर और इन्फिनिटी जो है उसको कम कर लेना है, जो भी ज़्यादा कर लेना है आपके हिसाब से आप सेट कर लेना सिंपली। तो मेरा तो पूरा है, अब डोजन वन इफेक्ट देना है। तो डोजन वन इफेक्ट के देने के लिए आपको क्या सिंपली करना है कि वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो जहाँ जहाँ आपको करना है तो वहाँ आप वाइट मार देना, डोजन वन इफेक्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि डोज होता है वाइट एंड वन होता है ब्लैक। तो सिंपली आप कर ही सकते हो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आप कर सकते हो। तो सिंपली इसको कर लेते हैं, थोड़ा फेस पे कर लेते हैं। तो सिंपली ये हो चुका है, अब बालों पे भी हल्का हल्का, अब हल्का पैर पे ही मार लेते हैं और थोड़े कपड़ों पे। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आपको करना है क्या है, लीन एंड डॉज कर लेना है सिंपली। पहले तो इसको काटूँ मैं, तो सिंपली आपको लीन एंड डॉज कर लेना है। तो इसको हम लीन एंड डॉज करेंगे इसके बाद, ब्लर करने के बाद। तो इसको पहले तो ऐसे तो सही भी नहीं लग रहा ये, तो पहले इसको लीन एंड डॉज जो है हमारा लीन एंड डॉज, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद ब्लर करते हैं। तो आप देख ही सकते हो कितना अलग इफेक्ट आ रहा है। तो सिंपली आपको आप ऐसे ही ब्लैक इफेक्ट के साथ अपना करना है। तो सिंपली इसको टच करने के बाद अपना जो सेकंड लेयर है उस पर एम्प्टी लेयर बना के, तो ब्रश का जो कलर है वो ब्लैक करके आप वन इफेक्ट डालिए। तो वन इफेक्ट डालने के लिए सिंपली आपको ये करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ आपको ब्लैक इफेक्ट डालना है वहाँ पर आप डाल लेना जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो सिंपली वन इफेक्ट भी आपका हो जाएगा। सिंपली ये मैंने कर लिया है, थोड़ा हाथ पे कर लेता हूँ, बस ये हमारा बन इफेक्ट हो चुका है। तो इसका लीन एंड डोज हम करेंगे, तो लीन एंड डोज देख ही सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा डार्क और रखना है, तो इससे तो हमारा फ़ोटो में डार्क बना ही नहीं रहा। तो लीन एंड डोज हटा के हम अब करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और थोड़ा और, बस सिंपली हमारा हो चुका है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन का काम है वो लाइट रूम में है, तो अब सिंपली अपना लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर, तो सारा काम लाइट रूम में करेंगे अब। तो लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लिए हमने, फोटो भी ऐड कर लेते हैं अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो फोटो ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड पर टच करना है, और फोटो पर टच करके अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो हमारी फ़ोटो ऐड हो चुकी है सिंपली। आपको आप क्या करना है सिंपली, इसका जो आपको ब्राइटनेस एक्सपोजर इसको हल्का सा कम रखूँगा, कॉन्ट्रास्ट को हल्का बढ़ा लूँगा मैं, ज़्यादा थोड़ा सा कम ही रखूँगा, हाँ कॉन्ट्रास्ट कम ही सही लग रहा है। तो अब अपनी हाईलाइट को कम रखेंगे, और जो हमारा हाई शेडोज है वाइट है उसको भी कम ही रखेंगे। तो ब्लैक हिस्से को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे और वाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो सिंपली अब अपने वाइब्रेंस को हम जो वाइब्रेंस है उसको बढ़ा लेंगे, या कम ही सही लग रहा है, तो वाइब्रेंस को कम कर लेंगे अपना, और जो ब्लैक जो हमारा सैचुरेशन उसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो हम नेक्स्ट मिक्स टूल है हमारा, मिक्स टूल में अपने फेस का कलर हम थोड़ा कम ही रखेंगे, तो सैचुरेशन कम करके इसका जो लुमिनेस है उसको बढ़ा लेंगे हम। तो सिंपली बाकी इफेक्ट के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बाकी जो कलर्स हैं उसको मैं कम ही देख रहा हूँ, तो इसका कोई हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो कोई कलर दिख ही नहीं रहा इसमें। अब एक बस ब्लू कलर है, ब्लू कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ब्लू कलर सिलेक्ट करने पे सिंपली आपको कुछ नहीं,
जो आपको ऊपर जो अलोन लिखा हुआ है सिंपली आपका वही चेंज होगा। तो जैसे कि देख ही सकते हो आप, ब्लू में लाइटिंग आपकी चेंज हो रही है, सिंपली कुछ नहीं हो रहा। तो लाइटिंग चेंज करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस ब्लू पे जाना है और ये देख ही सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो सिंपली इफेक्ट आने पे आपका जो फोटो है वो अलग ही लगता है। तो हमने ये कर लिया, अब तो इसको तो है हमें ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग करने के लिए इसको हम ब्लू टाइप में थोड़ा रखेंगे, तो इसको हम ब्लू की तरफ लेके जाएंगे। जो हमारा है कलर ग्रेडिंग जो हमारा, इसको थोड़ा सा हम ब्लू टाइप में ही रखेंगे क्योंकि हमें ब्लू लेके जाना है फोटो। तो हम इसका थोड़ा सा और ब्लू कर लेते हैं हाईलाइट को भी। तो हाईलाइट भी हमारी थोड़ी ब्लू हो चुकी है। तो सिंपली अब जो हमारा है क्लैरिटी को हम बढ़ाएंगे, टेक्सचर को बढ़ाएंगे और बिगनेट को कर लेंगे कम। तो सिंपली हमारी फ़ोटो देख ही सकते हो कैसी थी और क्या ही और लग रही है अलग ही तरीके की। तो शार्पन को थोड़ा बढ़ा लेंगे और अब चलते हैं अपना सिलेक्टिव टूल हमारा बचता है। तो सिलेक्टिव टूल में जाने का सिंपली अपने जो सब्जेक्ट है उस पर हम थोड़ा सर्कल बना के इसकी जो क्लैरिटी है क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे और टेक्सचर को भी बढ़ा लेंगे। शार्पन को भी थोड़ा नॉइस को बढ़ा के शार्पन को रहने देंगे, क्लैरिटी को भी बढ़ाते हैं। तो हमारी फ़ोटो पूरी एडिट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टच कर दें जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ।